आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर एस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय सात। अध्याय सात का नाम है भूमि और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व। तो साथियों अध्याय सात को धारा 54 से 58 तक में कवर किया गया है, परंतु इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धारा 55 के संबंध में। धारा 55 है खान और खनिज। तो साथियों धारा 55 की उपधाराओं के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे और यह भी समझेंगे कि खान खनिज क्या है। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे भी व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। साथियों वीडियो हमारा भूमि विधि से संबंधित है। अध्याय सात है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत अध्याय सात है, जिसमें है भूमि और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व। जो अध्याय सात है उसका नाम है भूमि और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व। तो साथियों धारा 55 अध्याय सात के अंतर्गत धारा 55 है जो खान और खनिज के संबंध में है, यानी सेक्शन 55 मीन्स एंड मिनरल्स। तो साथियों धारा 55 की उपधारा एक में क्या प्रावधान है, जो धारा 55 है 55 की उपधारा एक में क्या प्रावधान है, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी खान को संचालित करने या उनमें से किन्हीं खनिज पदार्थों का उत्खनन करने का अधिकार खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 द्वारा शासित होगा। तो साथियों धारा 55 है खान और खनिज। धारा 55 की उपधारा एक में प्रावधान है कि इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी खान को संचालित करने यानी कि कार्य करने की योजना करने या उसमें काम करने या जो उसमें कार्य होते हैं जो काम किए जाते हैं जो मजदूर या कर्मचारी होते हैं या उनमें से किन्हीं खनिज पदार्थों का उत्खनन करने का अधिकार या उनमें से जो खनिज पदार्थों का उत्खनन माने खनिज पदार्थों का खोद कर निकालने का जो अधिकार है खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 द्वारा शासित होगा। यानी कि जो खान और खनिज से संबंधित जो मामले हैं काम करने का अधिकार और संचालित करने का जो अधिकार है वो खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 द्वारा शासित होंगे। अब साथियों हम देखते हैं धारा 55 की उपधारा दो में क्या प्रावधान है। धारा 55 की उपधारा दो में प्रावधान है कि किसी खान या खनिज की कार्य प्रणाली या उसके उत्खनन से संबंधित प्रयोजनों के लिए और इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को क्रियाशील इस संहिता द्वारा निर्सित किए गए किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा पट्टाधृत या पट्टाधृत समझे गए भवन या भूमि के प्रत्येक पट्टेदार के पास कब्जा उपयुक्त पट्टे पट्टा के निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे किराए के संदाय पर जैसा कि ऐसे प्रारंभ होने के दिनांक को प्रवृत्त या बना रहेगा। यानी कि जो प्रवृत्त था जो लागू था वो बना रहेगा। तो जो धारा 55 की उपधारा दो है उसमें प्रावधान है कि किसी खान या खनिज की कार्य प्रणाली यानी कार्य करने का ढंग या उसके उत्खनन, उत्खनन माने होता है खुदाई यानी खनिज को खोद कर निकालने को उत्खनन कहते हैं, उत्खनन से संबंधित प्रयोजनों प्रयोग के लिए और इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को क्रियाशील यानी कि चालू रहा हो इस संहिता द्वारा निश्चित किए गए किसी यदि इस संहिता द्वारा निश्चित किए गए
किसी अधिनियम यानी कि जो ये संहिता है इसके द्वारा कोई अधिनियम निश्चित कर दिया गया है कि अधिराज्य सरकार द्वारा पट्टाधृत यानी पट्टाधारक या पट्टाधारक समझे गए पट्टे धृत समझे गए यानी पट्टाधारक समझे गए भवन या भूमि के प्रत्येक पट्टेदार को जो भी भवन और भूमि का पट्टेदार है के पास उसके पास कब्जा है, उपयुक्त पट्टा के निबंधन जो उपयुक्त पट्टा हुआ है उसके निबंधन यानी उसके बंधन में जो शर्तें हैं शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे किराए के संदाय पर जैसा कि यानी कि ऐसा किराए दिए जाने पर जैसा कि ऐसे प्रारंभ होने के दिनांक को प्रबत्त या प्रबत्त था बना रहेगा। तो साथियों अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी परिभाषा। खान और खनिज का मतलब क्या है यह समझ लीजिए। खान का मतलब है खुदाई करके अयस्क निकालने वाला स्थान। जो अयस्क है इसका मतलब होता है अयस्क का माने होता है एक प्रकृति रूप से पाए जाने वाला खनिज या चट्टान। उसके बाद साथियों वहीं खनिज का मतलब है पृथ्वी के भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर में पाए जाने वाला पदार्थ जिसे खानों से खोदकर निकाला जाता है जैसे लोहा कोयला अभ्रक बॉक्साइट नमक जस्ता चूना आदि। ये सब जो हैं ये खनिज हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। तो साथियों उत्तर प्रदेश जिमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंतर्गत खान एवं खनिज का विषय इस अधिनियम की धारा 106 से लगायत 111 द्वारा शासित होता था। वर्तमान धारा 55 द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि खान एवं खनिज के मामले में केंद्रीय कानून खान और खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम 1957 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 7। अध्याय 7 का नाम है भूमि और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व। अध्याय 7 के अंतर्गत धारा 55 है जो खान और खनिज के संबंध में है। तो हमने खान और खनिज की परिभाषा को समझा और खान और खनिज से संबंधित धारा 55 पर भी चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतया समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेयर करें लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।